तेरस पर आप क्या क्या खरीदेंगे जो आपके लिए सौभाग्य और धन कई गुना वृद्धि होने वाला है, आपके घर में सुख शांति बढ़ने वाला है। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि धनतेरस क्यों मनाते हैं, धनतेरस में किन भगवान का पूजा किया जाता है। धनवंतरी का पूजा किया जाता है। धनतेरस में भगवान विष्णु ही धनवंतरी के रूप में है और उनका ही पूजा किया जाता है। समुद्र मंथन में आज ही के दिन वो 10 नवंबर के धनतेरस है, उसी के दिन भगवान प्रकट हुए थे धनवंतरी भगवान, तो इसीलिए उनका जन्मदिन के रूप में भी ये मनाया जाता है धनतेरस। धनतेरस भगवान से आयुर्वेद प्रकट हुआ। आयुर्वेद स्वास्थ्य और जीवन के लिए परम कल्याणकारी है। अगर हम स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो चाहे हम माता लक्ष्मी का कितना भी हम पर कृपा हो, सब बेकार हो जाता है, क्योंकि सबसे पहले हमारा स्वास्थ्य होता है। धनवंतरी भगवान को बहुत ध्यान से हम पूजा करेंगे तो हमारा बहुत से बड़ा बड़ा बीमारी है वो सब भी उनकी आशीर्वाद से ठीक होने लगता है। तो फ्रेंड्स, धनतेरस पर आपको बहुत ध्यान से भगवान धनवंतरी का पूजा करना है। धनतेरस का 10 नवंबर के धनतेरस है और पूजा करने का जो समय है शाम में 5:47 से 7:43 तक। वैसे आप 8:08 तक भी पूजा का शुभ मुहूर्त है। आप पूजा उस समय आपको बहुत अच्छे से करना है। उनकी कृपा होने से आप कभी भी बीमार नहीं होंगे। उस समय यदि पूजा करते हैं तो साथ में लक्ष्मी गणेश, इसके बाद धन कुबेर सभी का पूजा आप जरूर कर लें। धनतेरस के दिन आपको फ्रेंड्स क्या खरीदना चाहिए, क्या नहीं खरीदना चाहिए। नहीं खरीदने वाला पहले बता लूँ आपको, शीशा का कोई भी सामान उस दिन नहीं खरीदना है। साथ ही प्लास्टिक का कोई भी सामान उस दिन आपको नहीं खरीदना चाहिए। इसके बाद लोहे का कोई भी सामान आपको नहीं खरीदना चाहिए। काले वस्त्र उस दिन आपको नहीं खरीदना चाहिए। दूसरा दिन आप जरूर खरीद लें, लेकिन धनतेरस पर इन चीज़ों को बिल्कुल खरीदारी आप बिल्कुल नहीं खरीदे नहीं करना है। आप क्या क्या खरीदना चाहिए जो आपको घर आपके घर में सौभाग्य लेके आएगा, आपके घर में खुशियां लेके आएगा और माता लक्ष्मी का स्थायी निवास होगा। आपको जिनको भगवान पैसा दिए हैं, गाड़ी खरीदे हैं, घर खरीदे हैं, सोना चांदी मोबाइल बहुत सारे ये सारे चीज़ आप खरीद सकते हैं। लेकिन भगवान जिनको पास कम पैसा दिए हैं, बिल्कुल नहीं पैसा है, जिनको बिल्कुल भगवान नहीं पैसा दिए हैं, उनके लिए एक कलम खरीद लेंगे तो हो जाएगा। कलम ला करके भक्ति भाव से माता का वहां ध्यान रख करके उसी के साथ सौभाग्य आएगा, उसी के साथ आपके घर में माता लक्ष्मी का निवास होगा। फ्रेंड्स, आपको क्या क्या खरीदना चाहिए जो हमारे घर में बहुत ज़्यादा बरकत लेके आएगा, वो है धनिया। धनिया में बोला जाता है कि वो माता लक्ष्मी का अस्थायी निवास हो जाता है और धनिया धन को बढ़ाता है। तो उस दिन आपको धनिया जरूर लेके आना चाहिए घर में। हल्दी की गांठ आपको उस दिन जरूर खरीदना चाहिए। हल्दी का गांठ भी हमारे घर में खुशियां और सौभाग्य लेके आता है। उस दिन आपको जो खरीदना है सौभाग्य बढ़ाने वाला वह चीज है। हमारे घर में जो बतासा माता लक्ष्मी को बहुत ज्यादा प्रिय है, तो खील बतासे उस दिन आपको जरूर घर में लेके आना चाहिए धनतेरस के दिन। इसके साथ ही आप क्या लेके आ रहे हैं, झाड़ू। झाड़ू से पैसे झड़ने लग जाते हैं, तो आपको 2 झाड़ू जरूर लेके आना चाहिए। आपको सब बहुत सस्ता मिल जाता है कौड़ी, तो 2-4-5 कौड़ी आप जरूर खरीद के लाएं। इसमें माता लक्ष्मी को बहुत ज़्यादा यह प्रिय है कौड़ी, और इसमें माता लक्ष्मी का स्थायी निवास हो जाता है हमारे घर में। यह सब सामान ला करके आपको पूर्व उत्तर की दिशा में आपको रखना है घर के, और गंगा जल छिड़कते हुए माता के हृदय में ध्यान रखते हुए जय माँ लक्ष्मी लक्ष्मी बोलते हुए और सब में गंगा जल छिड़किएगा, कलावा सामान के ऊपर रख दें। ये जो बांधने वाला जैसे झाड़ू है तो उसमें आप बांध दें, तो इससे हमारा घर में बरकत कई गुना होने वाला है। माता लक्ष्मी समान के रूप में हमारे घर में आते हैं, अस्थाई हो जाएगा माता लक्ष्मी का निवास हो जाएगा, हमारे घर में सौभाग्य लेके आएगा। यह सब सामान जरूर लेके आए। नमक इस दिन आपको जरूर खरीदना चाहिए। बच्चे को क्या खरीद के लाए जो हमारे बच्चे पढ़ाई में बहुत बहुत तेज हो जाए। अक्सर हाँ पेरेंट्स बहुत परेशान होते हैं, तो चलिए हम बच्चे के लिए बताते हैं कि बच्चों को क्या करना चाहिए। अष्ट धातु का स्वास्तिक ला करके गेट में आपको लगाना चाहिए। बच्चों को माता पिता गुरु का आशीर्वाद प्रणाम करके जरूर लेना चाहिए।
बच्चे को कलम कापी जरूर लाना चाहिए, कलम में कलावा बांधे और जहाँ जहाँ एग्जाम में आप जाते हैं तो यह कलम से लिखेंगे तो टॉपर आप जरूर हो जाते हैं। बच्चे गणेश अथर्वशीर्ष शीर्ष को 12 बार यदि पाठ करे तो बच्चे प्रतियोगिता में प्रथम आने से कोई नहीं रोकेगा, बच्चे को टॉपर होने से कोई नहीं रोकेगा। तो अक्सर हम माता पिता बच्चे के लिए बड़े परेशान रहते हैं, तो यह सब छोटी छोटी उपाय धनतेरस और दीपावली पर जरूर करें। चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ